नमस्कार। क्लास 8 का पाठ थर्ड, चैप्टर 1 का, चैप्टर 1 का पाठ थर्ड। इसमें कुछ कुछ आज हम लोग जो बात करेंगे तो रीड क्लास से हम करते हैं। इसमें पहला वर्ड है शून्य। यानी जीरो की भूमिका मतलब द रोल ऑफ द रोल ऑफ शून्य। शून्य का क्या रोल है? जीरो का। यानी यहां पर हम जीरो, तो यहां पर हम देखेंगे जीरो का क्या रोल है। तो देखो, 5 + 0 बराबर 5 है। 0 + 5 बराबर 5। 2 + 0 बराबर 2। 0 + 2 = 0। यानी ए प्लस ई बराबर ई प्लस ए बराबर ए। यही ई बराबर आपका 0। इसको हम बोलते हैं एडिटिव, एडिटिव आइडेंटिटी, आइडेंटिटी। कौन सा? एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी आपने डिफाइन कर लिया है। अगला हम बात करेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी आपने सीख किया है। अब हम बात करेंगे इधर दूसरी पेन से, ग्रीन से। तब यहां पर कुछ और बातें को सिखाने का प्रयास। वन यानी एक की भूमिका, यानी इंग्लिश में हम कहेंगे द रोल ऑफ वन। यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर हम समझे कि 5 × 1 5, 1 × 5 5, 6 × 1 6, 1 × 6 6, 2 × 1 2, 1 × 2 2। ये वन का है। इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आई टी। मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। अब यहां पर दोनों को जानने से क्या हुआ कि मैथमेटिक्स की हम लोग आगे बात करेंगे। इससे हम पहले एक क्वेश्चन पर हम बात करेंगे, सोचिए, चर्चा कीजिए और लिखिए। यहां पर हम लोग वर्ड लिखेंगे, सोचिए, उसके बाद चर्चा, और चर्चा चर्चा कीजिए। कीजिए और
लिखिए। यानी इंग्लिश में अगर हम बात करें तो सोचिएगा क्या हुआ, थिंग। उसके बाद डिस्कस, राइट। थिंक, डिस्कस एंड राइट। सोचिए, चर्चा कीजिए और लिखिए। तो यहां पर थिंक, डिस्कस एंड राइट, मतलब सोचिए, डिस्कस कीजिए और लिखिए। अब यहां पर एक प्रश्न होता है, यदि कोई गुणधर्म परिमेय संख्याओं के लिए सत्य है, परिमेय संख्याओं के लिए सत्य है, तो क्या वह गुणधर्म, क्या वह गुण धर्म पूर्णांकों पूर्ण संख्याओं के लिए भी सत्य होगा? प्रश्नवाचक चिन्ह। कौन से गुणधर्म इनके लिए सत्य होगी होंगे और कौन से सत्य नहीं होंगे? यह बात को तुम्हें सीखना है। इसी को हम अगर इंग्लिश में कहें तो इंग्लिश में भी मैं लिख देता हूं, क्योंकि इफ ए प्रॉपर्टी होल्ड फॉर रेशनल नंबर विल बी
बिल इट ऑल्सो होल्ड फॉर इंटीजर्स फोर होल नंबर्स विच विल विच विल नो। देखो ये बड़ा थिंकिंग की बात है यहां पर। तो देखोगे अब मैं तुमको हम बताता हूं दूसरे पेन लेकर के ग्रीन ले लेता हूं। तो पहला जो शनिवृत्त रूल है वह एडिशन के लिए मल्टीप्लिकेशन के लिए ये लागू होगा, लेकिन सब्ट्रैक्शन के लिए रेशनल नंबर में होगा, इंटीजर्स में भी होगा, लेकिन होल नंबर में नहीं होगा। बाकी प्रॉपर्टीज होगे। तो ये आपने क्वेश्चन को किया, ये बहुत अच्छी बात है। यानी आपको सोचिए, चर्चा कीजिए। अब हम लोग आगे हम बात करेंगे, तो उसके आगे हम बात करते हैं। तो आगे जो हम बात करेंगे, एक संख्या का ऋणात्मक हम कैसे लिखते हैं। एक संख्या का ऋण ऋणात्मक यानी संख्या का ऋणात्मक कहने का सेंस निगेटिव ऑफ ए नंबर्स। निगेटिव नंबर हम कैसे लिखते हैं। तो देखो होता क्या है ना, यहां पर तुम्हारे पास प्रतिलोम यानी इनवर्स के बारे में आया। इनवर्स क्या है इसके बारे में आया। तो यहां पर एडिटिव इनवर्स यानी इनवर्स दो टाइप के होते हैं। एक एडिटिव इनवर्स यानी क्या जोड़ें ताकि जीरो हो जाए, इसी को हिंदी में प्रतिलोम या विलोमता। तो यहां पर ये इसका नाम हो जाएगा योज्य योज्य प्रतिलोम यानी क्या जोड़ें ताकि जीरो हो जाए। पांच में हम क्या जोड़ें ताकि जीरो हो जाए, -5 यानी पांच का प्रतिलोम -5 हुआ और -5 का प्रतिलोम 5 हुआ। इसी ढंग से -6 में क्या जोड़े कि जीरो हो जाए तो 6 हो जाए। यानी आपने जान लिया है, जब ये आपने जान लिया तब तो आपको यहां पर जब जैसे ही आपने जान लिया यानी निगेटिव नंबर को लिखना जान गया, ये बहुत ही खुशी की बात है कि आपने निगेटिव नंबर को जान लिया है। ये अब यहां पर हम लोग खुद प्रैक्टिस कर लेंगे कि मैथमेटिक्स जो है प्रैक्टिस का चीज है। अब बताओ दिन का अगर हमको लिखना रहे, दिन में क्या जोड़ेंगे कि जीरो हो जाए। एक विद्यार्थी बोला रात, हम बुर बात। दिन में अगर माइनस दिन तूने जोड़ दिया तो दिन और दिन कट गया, जीरो हो गया। इसी ढंग से 7 में क्या जोड़े ताकि जीरो हो जाए, -7। तो एक बार में तुमको हम दो चीज कर दिए,
निगेटिव ऑफ नंबर्स की बात कर दिए और योज्य प्रतिलोम एडिटिव इनवर्स के भी बारे में बात कर लिए। अगला हम बात करते हैं आपको रेसिप्रोकल का। आइए हम लोग देखते हैं रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल लिखने से पहले, रेसिप्रोकल लिखने से पहले तुम्हें मिलना होगा से, जिनकी जन्म 22 दिसंबर 1887, जिन्होंने मैथ छोड़ के बाकी सब्जेक्ट में पास ही नहीं किया, उस मैथमेटिशियन से मिलना होगा, बिहार की एक हस्ती जो मैथ सब्जेक्ट में फेल करते थे, बाकी सब्जेक्ट में 100, वो भी अप्रैल के जन्मे, डॉक्टर वशिष्ठ नारायण सिंह। तो ये दोनों में मैथमेटिशियन तो दोनों थे भैया, लेकिन एक तो मैथ्स के प्रति इतने प्रेमी थे कि केवल मैथ ही सोचते थे, और दूसरे सज्जन थे कि मैथ्स से इतना ज्यादा प्यार करते थे कि पहले क्वेश्चन में पूरे टाइम खत्म कर देते थे। दोनों का सोच अलग अलग है। तो रेसिप्रोकल के बारे में, जिसे हिंदी में इसके अगर हम नाम कहें, वायु तो क्रम, मतलब अंश बटे हर है तो उलट जाएगा, हर ऊपर अंश नीचे, यानी 2/5, 5/2, माने हम क्या से गुना करें ताकि 1 हो जाए, ये बात को यहां पर सिखाया गया है। यानी यहां पर दीन है क्या से गुना करें, यानी वाई से गुना करें कि 1 हो जाए, तो यानी 1/3। या फिजिक्स में बहुत ही यूज होगा ये सिंबल डायरेक्टली का और ये सिंबल इनवर्सली का। जैसे फिजिक्स वाले सर तुमको बताएंगे, फिजिक्स में तो डायरेक्टली इनवर्सली 2 ही पार्ट होते हैं। अगर ग्रेविटेशनल की चर्चा करेंगे तो उन्होंने बताएंगे एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है m1 m2 का, और एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस स्क्वायर का। यानी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 m2/r2। सो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज इक्वल टू f r square m1 m2। ये फिजिक्स में चाहे वो चार्ज पर है, कुछ भी पर है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली की चर्चा होता है। रेसिप्रोकल आप लोग ने सीख गया है, ये बहुत बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग बात करेंगे, ये यहां तक ने बिल्कुल आप लोग ने सीख गया है, अब हम लोग बात करेंगे परिमेय, संख्याओं के लिए गुणन की योग पर वितरण वित कर कर्ता, यानी इंग्लिश में हम कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिवली वीटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन फोर रेशनल नंबर। ए बी प्लस सी, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, यही अगर सब्ट्रैक्शन में भी बात करें
तब बी हो जाएगा, यानी ए स्ट्रिक बी माइनस सी, तो ए गुने बी माइनस ए गुने सी। ये तुम्हारे पास बनते हुए अच्छे से चल जाएगा, इसमें कोई तरह का आपको इसके पीछे वाला जो व्युत्क्रम है उसको हम गुणात्मक प्रतिलोम भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम गुणात्मक आधारित होगा प्रतिलोम। तो ये बात को आपने अच्छे ढंग से जान चुका है। अब हम एक्सरसाइज को देंगे। सारे स्टूडेंट एनसीईआरटी का 1.1, चाहे वो सीबीएसई का विद्यार्थी हो या बिहार बोर्ड का विद्यार्थी हो, अगर हिंदी मीडियम के विद्यार्थी होंगे तो प्रश्नावली 1.1, और इंग्लिश मीडियम का विद्यार्थी हो तो एक्सरसाइज 1.1 बनाएंगे। तो अगली क्लास में इसकी हम डिस्कशन करेंगे।